Okay, assalamu alaikum students. लेक्चर नंबर वन में हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट की थी फिजिक्स की, जिसमें हमने फिजिक्स को डिफाइन किया था कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स. ठीक है, फिर हमने अंडरलाइन वर्ड्स में सबसे पहले स्टडी के बारे में डिस्कस किया था कि स्टडी इन फिजिक्स मीन टू मेजर समथिंग, टू मेजर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स, एंड दैट मेजरमेंट शुड बी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज कंटेनिंग द लीस्ट पॉसिबल एरर. ठीक है, इसके अलावा फिजिक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट्स, एंड मेजरमेंट्स विदाउट द नॉलेज ऑफ अनसर्टेनिटी इज मीनिंगलेस. ठीक है, फिर हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया था कि एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज सम वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर पे हमने बात की थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा. और इसके अलावा हमने मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हमने क्वार्क कंसिडर किया था, और लार्जेस्ट पार्टिकल हमने यूनिवर्स एज अ सिंगल बॉडी हमने कंसिडर किया था उसे. और हमने कहा था कि मैटर की डोमेन में जो है क्वार्क से लेकर यूनिवर्स तक दरमियान में जितने भी स्टेजेस आते हैं ये सब मैटर है, और इस सब को हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे. ठीक है, अभी आज हम जो है वो फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं. और मैटर की फिजिक्स की डिफिनेशन में जो द थर्ड वर्ड था हमारे साथ एनर्जी, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एनर्जी किसे कहते हैं और एनर्जी के डोमेन में हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है. ठीक है, सो एनर्जी जनरली डिफाइन की जाती है कि द एबिलिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क. ठीक है, इसके अलावा फिर इस डोमेन में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी जो है वो भी हमने डिस्कस करनी है कि टाइप्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी है. इसमें हमारे साथ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, बहुत सी एनर्जी की टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा एनर्जी के डोमेन में हमारे साथ जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसे कहा जाता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. इस वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को हम इस डोमेन में स्टडी करेंगे. वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जनरली ये कहता है कि वर्क जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो सकती है. ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल्स हैं. ठीक है, इसीलिए इसका यूनिट भी सेम है. एनर्जी को भी जाउल्स में मेजर किया जाता है और वर्क को भी जाउल्स में मेजर किया जाता है. तो इसके अलावा जो है हम इस एनर्जी के डोमेन में ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ओरिजिन जो है वो क्या है. ठीक है, सो ये फिजिक्स की डिफिनेशन में हमने जो कहा था कि स्टडी ऑफ एनर्जी हम करेंगे, तो हमने इन कुछ पॉइंट्स के साथ जो है वो स्टार्ट करना है कि एनर्जी के बारे में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे. इसके बाद हमने फिजिक्स की डिफिनेशन में पढ़ा था कि हम रिलेशंस को भी, वर्क और एनर्जी के दरमियान जो रिलेशंस हैं उसको भी स्टडी करेंगे. जैसे कि हमारे साथ एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है वर्क और एनर्जी के दरमियान, मैटर और एनर्जी के दरमियान, और वो है E इज इक्वल टू mc square. यहाँ पर E जो है वो हमारे साथ एनर्जी को शो करता है और m जो है ये मास को शो करता है, मास मतलब मैटर, और c जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट. ये इज इक्वल टू mc square आइंस्टाइन का बहुत फेमस इक्वेशन है. इसको एनर्जी मास इक्विवेलेंस फार्मूला कहते हैं. और इस इक्वेशन से हमें ये पता चला कि एनर्जी में और मैटर में म्यूचुअल रिलेशनशिप्स भी है. ठीक है, तो उन सारे म्यूचुअल रिलेशनशिप्स को भी हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे. सो ये फिजिक्स की डिफिनेशन, और फिजिक्स की डिफिनेशन में जो चार इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, व्हाट डू वी मीन बाय स्टडी, व्हाट डू वी मीन बाय मैटर, व्हाट डू वी मीन बाय एनर्जी,
And what do we mean by their mutual relationships? ठीक है, ये one by one हमने उन चार words को discuss कर लिया है. ये हमारे साथ physics की definition यहाँ पर हम इसे छोड़ देते हैं. ठीक है, अच्छा, हमने physics में कहा था कि we study. Physics में हम क्या करेंगे? Study. तो question ये भी आता है कि what should we study? To study what? ठीक है, हमने क्या study करना है? तो हमने इस वर्ड का आंसर है कि हमने प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है. प्रॉपर्टीज किस चीज की प्रॉपर्टीज? मैटर की प्रॉपर्टीज और साथ में एनर्जी की प्रॉपर्टीज. सो वी वांट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी. और जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में बात की कि स्टडी से मतलब क्या है, स्टडी से मतलब मेजरमेंट्स हैं. सो वी वांट टू मेजर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी. ठीक है, सो मैटर की और एनर्जी की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. कुछ मैटर और एनर्जी की प्रॉपर्टीज जो हैं वो इस तरह है कि उसे हम कह सकते हैं कि दे आर मेजरेबल. दे आर मेजरेबल. और कुछ मैटर और एनर्जी की प्रॉपर्टीज इस तरह भी है विच आर नॉट मेजरेबल. ठीक है, सो मैटर और एनर्जी की कुछ प्रॉपर्टीज इस तरह है जिसको अभी तक हमने फिजिक्स में मेजर कर लिया है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज मेजर जो है मैटर और एनर्जी की वो इस तरह भी है जो अभी तक फिजिक्स में मेजर नहीं हो पाई है. जिस तरह लेट्स सपोज अगर हम मेजरेबल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे साथ मास जो है एक प्रॉपर्टी है, स्पीड एक प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक प्रॉपर्टी है, डेंसिटी एक प्रॉपर्टी है. ठीक है, जिसे हमने फिजिक्स में अभी तक मेजर कर लिया है. और भी बहुत से मेजरेबल प्रॉपर्टीज हमारे साथ मौजूद है मैटर और एनर्जी की. लेट्स सपोज अगर हम एक नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो हम कह सकते हैं हैप्पीनेस. ठीक है, हैप्पीनेस जो है वो लेट्स सपोज अभी तक मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे अभी तक फिजिक्स ने मेजर नहीं किया है. सो हमारे साथ ऐसी भी प्रॉपर्टीज हैं जो अभी तक फिजिक्स ने मेजर नहीं की या फिजिक्स उसे अभी तक मेजर नहीं कर पाया है. ठीक है, सो हमने नाइन्थ के कोर्स में सिर्फ वो प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है जो हमारे साथ मेजरेबल हो. ठीक है, मतलब फिजिक्स में हमने उसे मेजर कर लिया हो और इन्हीं प्रॉपर्टीज को, जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज. तो अभी सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी को हमने डिफाइन करना है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या कहते हैं, किसे कहते हैं. सो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड और एनर्जी विच आर measurable. Those properties of matter and energy which are measurable. मतलब matter और energy की वो properties जो हम measure कर सकें, उन properties को physical quantities कहते हैं. जैसे हमारे साथ matter की एक property है कि हर matter का कुछ ना कुछ mass होता है और mass जो है ये एक ऐसी quantity है जो measurable है. मेजरेबल का मतलब इसका हमारे साथ स्टैंडर्ड यूनिट मौजूद है, हम मास को मेजर कर सकते हैं केजीज में, ग्राम्स में. तो इसलिए मास को हम कहेंगे कि इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी. इसी तरह हमारे साथ जो है एक दूसरी मैटर की प्रॉपर्टी है फोर्स. और फोर्स क्या है? ये मेजरेबल है. इसका हमारे साथ यूनिट मौजूद है न्यूटन और हम फोर्स को न्यूटन में मेजर कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये फोर्स भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है. इसके अलावा हमारे साथ मैटर की एक प्रॉपर्टी है कि हर बॉडी की अपनी डेंसिटी होती है,
ये डेंसिटी जो है ये मेजरेबल है, इसका अपना यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो हम इसको केजी पर मीटर क्यूब में मेजर कर सकते हैं, इसलिए डेंसिटी को हम कहेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमारे साथ एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी हमारे साथ मेजरेबल है, इसका अपना यूनिट है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी हमारे साथ एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिसको फिजिक्स ने आज तक मेजर किया हुआ है, जिसकी मेजरमेंट के रूल्स हमारे साथ मौजूद है, ठीक है, और जिसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक यूनिट भी होगा, अगर हम उसे मेजर कर सकते हैं तो उसका एक यूनिट भी होगा जिसमें हम उसे मेजर करेंगे, जैसे मास का यूनिट केजी है, ठीक है। अच्छा, इस फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफिनीशन दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को, इसको आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो इसमें पहली कैटेगरी है बेसिक क्वांटिटीज, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरी कैटेगरी है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो ये दो कैटेगरीज हैं आपके साथ फिजिकल क्वांटिटीज की, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बेसिक क्वांटिटीज हमारे साथ जो है वो एक सेवन क्वांटिटीज हैं जिसे हम बेसिक क्वांटिटीज कहते हैं, और डिराइव क्वांटिटीज जो है वो बहुत ज्यादा है, उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और बेसिक क्वांटिटीज को भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बेसिक क्वांटिटीज को जनरली बेसिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नेचर में फंडामेंटली पाए जाते हैं, इसको हम और स्प्लिट नहीं कर सकते। सो दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी स्प्लिट फर्दर आर कॉल्ड बेसिक क्वांटिटीज, एंड दोज क्वांटिटीज which can be splitted further are called derived quantities. तो basic quantities और derived quantities पर इंशाल्लाह lecture number 3 में दोबारा बात होगी। अभी तक के लिए इतना ही, शुक्रिया।